ऑफ इंडिया। दुर्घटना से सावधानी भली। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। बालासोर के रेल हादसे ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय रेलवे पर यात्रियों का बोझ बेहद ज्यादा है। दूसरा सवाल है कि क्या रेल कर्मचारियों की लंबे समय से रुकी हुई भर्ती ने दुर्घटनाओं को न्योता दिया है। आइए आंकड़ों के जरिए इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रेलवे की मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव बेहद ज्यादा है। इन ट्रेनों में जितनी सीटें हैं उनसे कई गुना ज्यादा यात्री इनमें सफर करते हैं। एक RTI में रेलवे से प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन रेलवे की मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट और पैसेंजर ट्रेनों में कितनी सीटें हैं और इन पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या क्या है। ये सवाल सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन यानी CRIS से पूछा गया था। इस प्रश्न का जवाब ये आया कि साल 2022-23 में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटों की संख्या 26,02,82,278 है, जबकि इन सीटों पर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 30,94,11,139 है, यानी यात्रियों की संख्या सीटों से 19% ज्यादा है। वहीं देश की सुपरफास्ट ट्रेनों में सीटों की संख्या 26,74,55,644 है, लेकिन इन सीटों पर यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या 32,60,67,462 है, जो कि सीटों से 25% ज्यादा है। अब इन ट्रेनों में सीटों से इतने ज्यादा यात्री यात्रा करेंगे तो उसका बोझ पटरियों और रेल सिस्टम पर तो पड़ेगा ही। इसके अलावा रेल कर्मचारियों की संख्या में कमी भी रेल यात्रियों को खतरे में डाल रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी यानी ग्रुप C में बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हुए हैं। सेफ्टी कैटेगरी में 9,59,529 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 7,76,762 पदों पर नियुक्तियां हो रखी हैं, जबकि 1,82,767 पद खाली पड़े हुए हैं। सेफ्टी कैटेगरी में बरसों से भर्तियां नहीं हुई हैं। इसी कैटेगरी में रेलवे की सुरक्षा का दारोमदार होता है, लेकिन इस कैटेगरी में कर्मचारियों की कमी हादसों को न्योता देती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिसंबर 2022 को राज्यसभा में बताया था कि रेलवे में नॉन गजेटेड कैटेगरी के 3,12,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें ट्रेन ड्राइवर जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। ड्राइवरों की संख्या में कमी की वजह से काम करने वाले ड्राइवरों को अपनी ड्यूटी टाइम से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर भारतीय रेल को दुर्घटना मुक्त बनाना है तो सभी पदों पर भर्तियाँ बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि दुर्घटना से सावधानी भली। जय हिंद, जय भारत।